हमारे चर्च की बेहतरीन टीचर भी हैं और बेहतरीन खादमा और पास्टर भी हैं बहन मरिया, आपके मजबूत आगे मेरी तरफ से आप सबको सलाम। क्या आप सब खुश हैं? तो आए खुदावन के जलाल के लिए शुक्र अदा करते हैं। सबसे पहले मैं अपने खुदावन खुदा की शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद अपने उस्ताद पादर सैनंद कपूर की कि जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आज खुदा के कलाम को आप सबके सामने शेयर कर सकूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बाइबल कॉलेज रहते हल्दा बाइबल कॉलेज की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक साल मिस कर दिया, नहीं तो अब मैंने थर्ड ईयर की स्टूडेंट होना था। और वो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं और सीखा है तो यहाँ पे आप तक पहुँचा रही हूँ। अगर सीखा ना होता तो शायद हम भी बैठ के सुनते होते और आज खुदा की खिदमत ना करते। तो आए मेरे साथ खुदावन के जिंदाबाद कलाम में से निकालेंगे। और मैं कलाम सुनाने से पहले अपने उस्तादा की और तमाम सीनियर की इजाजत चाहती हूँ। आज का जो मेरा मजमून है वो है तू कहाँ है। क्या है? वेयर आर यू? तू कहाँ है? क्या है? तू कहाँ है? तो आज मेरे साथ खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से पैदाइश 3 बाब और 9 आयत। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, तब खुदावन खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। क्या कहा? तू पुकारा किसने? खुदावन खुदा ने आदम को पुकारा और कहा कि तू कहाँ है। मैं आपको पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी क्योंकि आप सब जानते हैं कि खुदा ने आदम को कहा कि तू कहाँ है। कब कहा? जब आदम ने गुनाह किया। आप सब जानते हैं, कौन कौन जानता है? हम सब जानते हैं कि जब आदम ने गुनाह किया, हवा ने गुनाह किया और खुदा ने कहा कि तू कहाँ है। मोहब्बत और रहम से जुड़ी हुई जो मखलूक है खुदा उसे तलाश करता है। ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा अपने लोगों को तलाश करता है। क्या ये खुदा की मोहब्बत और खुदा का रहम है? अगर खुदा चाहता तो छोड़ सकता था, लेकिन खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है और कहता है कि तू कहाँ है। यहाँ पे खुदा खोए हुए इंसान को ढूंढता है और खुद तलाश करता है क्योंकि इंसान गुनाह में पड़ गया, इंसान ने खता की, इंसान बदकार हो गया और खुदा फिर क्या कहता है कि तू कहाँ है। जो इंसान गुनाह करता है तो फिर थोड़ी देर के लिए खुदा की और उसकी दूरी हो जाती है। इसी तरह ही है जब हम गुनाह करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि शायद खुदा हमें माफ ना करे, शायद खुदा हमसे दूर हो गया है और अगर हम खुदा के पास जाएंगे तो हमें सजा मिलेगी। लेकिन खुदा जो है वो बनी वो इंसान से मोहब्बत करता है, वो ये चाहता है कि मेरा बेटा जो मेरा तालिब है वो गिर भी गया तो मैं उसे उठाने की कुदरत रखता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा कभी भी हमें गिरा हुआ नहीं देखेगा। अगर हम खुदा के पास आ जाएंगे, अगर हम खुदा से अपनी गलती का इकरार कर देंगे तो खुदा मुझे और आपको माफ करने की कुदरत रखता है। हमें और खुदा आपको एक बात बताना चाहते हैं कि खुदा नजात के लिए पहल करता है। क्या करता है? नजात के लिए पहल करता है कि अगर हम गुनाह में गिर गए हैं, अगर हमने गलती कर ली है तो खुदा अपना हाथ बढ़ाता है। और इसी तरह जिस तरह आदम के पास खुद आया कहता है कि ऐ आदम तू कहाँ है, आज हमें भी खुदा ये कहता है कि ऐ मेरी बेटी मरियम
यहाँ तू कहाँ है, ऐ मेरी बेटी निशा तू कहाँ है? क्या हम ये कहते हैं खुदावंद में हाजिर? बहुत कम लोग ये कहते हैं कि खुदावंद में हाजिर हूँ। आज मुझे और आपको ये बात सीखने को मिलती है कि हमें जब खुदा आवाज दे तो हम ये ना कहेंगे नहीं मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। खुदा का कलाम कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। और जब हम खुदा हमें आवाज दे तो हम ये कहें खुदावंद में हाजिर हूँ। अगर हमें कलाम सुनाना नहीं आता, अगर हमें दुआ करनी नहीं आती तो हम फिर भी खुदा को कहें खुदा में हाजिर हूँ। मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी बाइबल मुकद्दस का हिस्सा ही है ज़कर्याह की बताना चाहूंगी। किसके? ज़कर्याह की। क्योंकि खुदा अपने लोगों को खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। लूका की अंजील उसका 19 भाग और उसकी 10 आयत में से। ज़कर्याह बहुत छोटे कद का था। क्या था? मेरे जितना होगा, छोटे कद का। और वो खुदा को देखने का बहुत ही ज्यादा मुंतजर था। क्या था? बहुत ही ज्यादा खुदा को देखने का मुंतजर था। और वो चाहता था, बड़ी भीड़ थी और वो ये चाहता था कि मैं भी खुदा को देखूं, नजात के निदे को देखूं कि वो कैसा है, कितना खूबसूरत है, वो जहां से गुजरता है मौजज़े करता है। आज मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? देखना चाहता हूँ। और खुदा जब वो एक दरख्त पर चढ़ गया और उसने खुदा यीशु को देखा। किसको देखा? यीशु को देखा। और यीशु ने जब निगाह की तो क्या देखता है कि ज़कर्याह इतनी भीड़ है और उसकी मोहब्बत को देखता है कि इतनी भीड़ है और वो उस पे दरख्त के ऊपर चढ़ गया है और मुझे देखने का इतना आज़ुमंद है। तो उसने क्या किया? यीशु मसीह ने आवाज दी, ऐ ज़कर्याह नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर जाना है। और बहुत से लोग बैठे हैं, वो बड़बड़ाने लगे, खड़े हैं, कहते हैं कि ये एक गुनाहगार के घर में जाना चाहता है। तो यीशु ने कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया हूँ। ऐ ज़कर्याह आज तेरे घर में क्या आ गई है? नजात आ गई है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा खुदा है। ये कौन कौन जानता है कि यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा खुदा है? यीशु मसीह ने मेरे और आपकी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी कि हम बच जाए, हम बचाए जाए। यीशु मसीह ने मेरी खातिर कांटों का ताज पहना कि मैं क्या पाऊं, नजात पाऊं। गलती मेरी थी लेकिन यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। हालेलुया, हालेलुया। गुनाह मेरे थे, गुनाह मेरे थे, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली और कहा कि आज इस घर में नजात आई है। अपने घर में यीशु मसीह को उतारे और यीशु मसीह से कहे कि खुदावंद आज तू मेरे घर आ, मेरे घर में नजात आए। खुदा का कलाम कहता है कि इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान दूसरों के लिए कुर्बान करे। हालेलुया, ये यीशु मसीह की मोहब्बत है, ये यीशु मसीह का प्यार है, ये यीशु मसीह का फजल है कि यीशु मसीह हमारे ऊपर अपने कर्म की निगाह करता है। यीशु मसीह आज मुझे और आपको भी ये कहता है कि तू कहाँ है, तू कौन कौन कहेगा मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। कौन कौन आज कहेगा कि मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। खुदा मैं तेरी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। कौन कहेगा? खुदा मैं तेरी प्रस्तुति के लिए हाजिर हूँ। हम जैसा भी करेंगे लोग हम पर हंसेंगे लेकिन यीशु मसीह हंसेगा नहीं बल्कि हमें ये कहेगा कि ये वाकई ही मेरे लिए हाजिर है। आज सब कुछ छोड़ के हमने बहुत कुछ दुनियादारी में देखा है, हमने बहुत सी ख्वाहिशात को अपने को पूरा किया है। आज जरूरत है कि हम खुदा के पास आ जाएं और खुदा से कहें कि खुदा देख मेरी ये गलती है, ये मेरा गुनाह है, खुदा आपको छोड़ेगा नहीं। खुदा का कलाम कहता है कि अगर मेरा तालिब गिर भी जाए तो मैं उसे उठाने की कुदरत रखता हूँ। अगर उसने 60 से 70 बार भी गुनाह किया है तो मैं उसे माफ करने की कुदरत रखता हूँ, क्योंकि खुदा हमारा मुनजी खुदा है, खुदा हमारे छुड़ाने वाला, बचाने वाला और हमें मुखलसी देने वाला खुदा है, खुदा हमारा निजात दहिंदा खुदा है। खुदा ने कहा कि मेरे पास आ जाओ, देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, अगर मैं तेरी आवाज सुन के दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊंगा और वो मेरे
दूसरे की कार्येगा। कौन कौन ये जानता है कि खुदा हमारी तमाम परेशानियों को दूर करता है। तो आज से हमने क्या कहना है, खुदा हमें आवाज दे तो हम ये कहें नहीं नहीं खुदा सर्दी बड़ी है हमने कहा ही रहना है, ये कहना है। तो क्या कहना है खुदा से, खुदा ने कहा तू कहाँ है तो हमने क्या कहना है, क्या कहना है, खुदा मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। आज छोड़ दे घर ये रहना, आज छोड़ दे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना, बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करे तो फिर आपको खुदा पूरे से उठा के तख्ते शाही पे बिठा देगा। हालेलुया। क्योंकि आपको इस कलाम के स्वास्थ्य